हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 9.1 शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली 1 से लगाकर प्रश्नावली 8 तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दी, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणों को पहचानिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये व्यंजक होता क्या है, है ना, ये व्यंजक होता क्या है। तो हम देखो, अब तक कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 7 तक राशियों के बारे में जान चुके हैं कि राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो, एक बार समझना, ठीक है, फिर आगे वीडियो करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक होती है चर और दूसरी होती है अचर। अब ये अचर क्या होता है? तो जितनी भी हमने संख्याएँ पढ़ी है उन्हीं को हम अचर कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, इनका मान निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 4, 2, ठीक है, तो 2 निश्चित मान है। 1.2 मैंने कहा निश्चित मान है। 3/4 ये भी निश्चित मान है। तो गणित की जो हम संख्या लिखते हैं, जैसे √2, तो ये भी क्या है? निश्चित मान है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। तो अचर समझ में आ गया, गणित में जो संख्याएँ होती है उसी को हम अचर कहते हैं। अब ये चर क्या होता है, इसको समझना। इनका मान अनिश्चित होता है, यानी हमें पता नहीं होता कितना होता है, हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अनिश्चित होता है इनका मान। जैसे मैंने कहा, मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ रुपए है, समान लो कुछ रुपए है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ, मेरे पर्स में एक्स रुपये है, ठीक है। तो ये मान कैसा है? ये मान अनिश्चित है। जबकि मैं अगर ऐसा कहूँ कि मेरे पर्स में 50 रुपये हैं, तो वो क्या है? निश्चित है, ठीक है। कितने रुपए? 50 रुपये है। 50 का 51 तो नहीं होगा ना, है ना, 50 रुपये है तो 50 ही होगा, यानी ये मान निश्चित हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो वो क्या है? अनिश्चित। तो ऐसी राशियों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखते हैं, जैसे XYZT, है ना, ऐसे अक्षरों से लिखते हैं, जिनका मान हमें पता ना हो, यानी अनिश्चित हो, उन्हें हम चर कहते हैं। अब हमें ये पढ़ना कि ये व्यंजक क्या होता है, तो इसको समझो। देखो, इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर को हम गणितीय संक्रिया, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग का निशान लगाकर लिखते हैं, तो वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। समझ में आया ना? बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब हम चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं से संयोजित करके लिखते हैं, यानी गणितीय संक्रिया मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग से संयोजित करके लिखते हैं, तो इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे बताओ, मान लो जैसे एक्स है, ठीक है, तो ये आपका चर हो गया, यहाँ 3 लिखा तो ये अचर हो गया। अब मैंने इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा व्यंजक बन गया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3x, तो इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब किसका निशान है? गुणा का निशान है, हमेशा ध्यान रखना, ये 3 × x है, ठीक है। तो इसके बीच गुणा का निशान है, यानी ये भी हमारा क्या बन गया? व्यंजक बन गया। अब इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये पद कब बनेंगे और गुणांक कब बनेंगे, इसको भी समझो। तो देखो, अब हम ये तो समझ चुके हैं कि व्यंजक क्या होता है ना, जिसमें चर और अचर को हम गणितीय संक्रियाओं से संयोजित करते हैं, यहाँ आप जोड़ की जगह प्लस माइनस का निशान भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पर एक तो बनते हैं पद, ठीक है, एक बनते हैं पद और एक बनता है गुणांक, ठीक है। तो ये पद कब बनेगा और गुणांक कब बनेगा, इसको समझना। तो देखो, पद कब बनता है? जब चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो। जब चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, तब तो पद बनते हैं, और जब गुणा व भाग का निशान हो, तो वो क्या बनते हैं? गुणांक बनते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा x^2 − x + 4, तो यहाँ कितने पद है, ठीक है। तो देखो, जहाँ प्लस और माइनस का निशान है, इसका मतलब वहाँ पद है, ठीक है। यहाँ कितने पद बना? 1 पद, 2 पद और 3 पद, समझ में आया। तो यहाँ पदों का निर्माण होगा, जब चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, तो वहाँ किसका निर्माण होगा? वहाँ पदों का निर्माण होगा। अब गुणांक कब बनेगा? जैसे मैंने ये देखो, जैसे मैंने लिखा 3x, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो अब मैंने कहा x का गुणांक कितना है,
तो आप कहोगे एक्स का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो जब गुणा और भाग का निशान हो, जैसे मैंने लिखा 1/2x, ठीक है, तो यहाँ ये बट्टा मतलब भाग का निशान है, ठीक है। अब मैंने कहा एक्स का गुणांक बताओ, तो आप क्या कहोगे 1/2। तो पद और गुणांक को समझना जरूरी है। जब प्लस और माइनस का निशान हो तो पद का निर्माण होता है, और जब गुणांक, गुणा और भाग हो तो वो गुणांक का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, कैसे, देखो। जैसे मैंने लिखा 4x^2 +3x-1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 4x^2 के साथ गुणे में है, ये 3x के साथ गुणे में है, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में प्लस और माइनस का निशान भी आ रहा है, तो प्लस और माइनस का निशान आ रहा है, इसका मतलब पद का निर्माण हो रहा है। कितने पद हैं, 1, 2 और 3, 3 पद है इसके अंदर, ठीक है। और x^2 का गुणांक क्या है, x^2 का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे इसका किससे गुणा हो रहा है, 4 से। तो x^2 का गुणांक कितना है, 4 है। फिर x का गुणांक कितना है, ठीक है, तो आप कहोगे x का गुणा किससे हो रहा है, 3 से, तो x का गुणांक 3 है। फिर ये 1 जो है ये आपका क्या हो गया, अचर पद, ठीक है। तो हम कहेंगे अचर पद, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, तो अचर पद का गुणांक क्या है, -1, क्योंकि इसके साथ माइनस भी है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे -1, क्योंकि इसके साथ आगे माइनस भी है, ठीक है। अब हम प्रश्नों को आराम से करेंगे, तो हमें इसमें पद भी बताने हैं, कौन कौन से पद है, और गुणांक भी बताने हैं। तो देखो पहला प्रश्न करते हैं, तो देखो पहले प्रश्न में कितने पद है, क्योंकि एक ही माइनस आया, तो ये पहला पद, ये पूरा पहला पद और ये दूसरा पद, ठीक है। तो दो पद है, और वे कौन से हैं, दो पद। पहला तो आपका है 5xyz^2, और दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद है -3zy, दूसरा पद ये पूरा आएगा -3zy, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसमें हमें गुणांक भी बताने हैं, तो देखो ये 5 किसके साथ गुणा हो रहा है, तो हम कहेंगे 5 जो है वो xyz^2 का गुणांक है, का गुणांक क्या है, 5 है। फिर ये zy के साथ गुणा कौन हो रहा है, zy के साथ जो है, यानी इसका जो गुणांक है वो क्या होगा, तो इसका गुणांक होगा -3, क्योंकि आगे माइनस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे -3। तो ये पहले प्रश्न का पूरा उत्तर ये होगा, ठीक है। जैसे अब दूसरा देखो, ठीक है, ये वाला, ये प्रश्न क्या है, 1 + x + x^2, बताओ कितने पद है, कुल 3 पद है, 3 पद, ठीक है, 3 पद है टोटल। पहला पद कौन सा है, तो पहला पद है 1, दूसरा पद कौन सा है, x, और तीसरा पद कौन सा है, x^2। तो कुल 3 पद है, और इसके गुणांक, तो अचर पद का गुणांक, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है, किसी का गुणा नहीं हो रहा है, तो ये अचर पद है, ठीक है। अचर पद का गुणांक कितना है, वो है 1। फिर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक बराबर, देखो इसके आगे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का गुणा नहीं हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना 1 का गुणा होता है। जब चर पद के आगे कोई संख्या नहीं हो तो आपको 1 समझना है उसको। तो x का गुणांक भी कितना आ गया, 1। फिर x^2 का गुणांक, तो x^2 का गुणांक भी कितना आ जाएगा, 1। इसके आगे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये करूँगा, है ना। तो तीसरा है 4x^2y^2 - 4x^2y^2z^2 + z। कितने पद है, 1, 2 और 3, 3 पद है कुल, ठीक है, 3 पद है। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला पद तो है 4x^2y^2, दूसरा पद आपका हो गया -4x^2y^2z^2, ये देखो आगे माइनस है। फिर तीसरा सिर्फ जेड है ना, हम प्लस को, प्लस का निशान कभी लगाते नहीं, अगर यहाँ आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान, ये भी ध्यान रखना। तो 3 पद हो गए। अब गुणांक क्या है, तो गुणांक की बात करते हैं, चलो। तो अब देखो x^2 और y^2 का गुणांक कितना है, 4। तो
x की घात 2 y की घात 2 का जो गुणांक है ना वो कितना है, वो है 4। फिर x की घात y की घात और z की घात 2 का गुणांक कितना है, किससे गुणा हो रहा है, ये -4 से हो रहा है, ध्यान रखना -4 है इसका गुणांक। और z का गुणांक, तो z का गुणांक आपके कितना हो जाएगा, 1, आगे कोई नहीं है तो 1। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब है 4, ठीक है। 4 क्या है, 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, तो कुल कितने पद, 1, 2, 3 और 4, कुल 4 पद है। 4 पद कौन कौन से, तो पहला है 3, दूसरा है माइनस का पी क्यू, तीसरा पद है क्यू आर और चौथा पद है माइनस का आर और पी। तो ये तो आपके पद हो गए, अब गुणांक की बात करते हैं, ठीक है। तो गुणांक देखो, अचर पद का गुणांक, यहाँ इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो ये अचर पद है, अचर पद का गुणांक कितना आ गया, तो वो आ गया आपके 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो P और Q का गुणांक, PQ का गुणांक, ठीक है। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना, 1। फिर इसके आगे माइनस भी है तो इसका गुणांक क्या आएगा, माइनस का 1। फिर QR का गुणांक, तो QR का गुणांक जो है वो है प्लस का 1। और फिर अंतिम में है RP का गुणांक, तो RP का जो गुणांक है वो आपके देखो आगे क्या है, माइनस, और यहाँ पर कितना है, 1। तो इसका गुणांक जो है वो है माइनस का 1। पांचवा है x बटा 2 प्लस y बटा 2 माइनस xy, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। पद कितने हैं देखो, 1, 2 और 3, तो पद तो आपके कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से हो गए, तो देखो यहाँ x बटा 2 का मतलब समझो, x बटा 2 का मतलब समझना, यहाँ ऊपर कितना है, यहाँ 1 इसके साथ गुणे में है, तो इस 1 और बटा 2 को मैं अलग लिख देता हूँ, 1 बटा 2, फिर गुणा में यहाँ x लगा देता हूँ, तो इसको मैं x बटा 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बताओ x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक हो गया 1 बटा 2, बात समझ में आई। अच्छा पद, पहले हम पद लिख देते हैं, गुणांक की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पहला पद हो गया x बटा 2, दूसरा पद आपके हो गया y बटा 2 और तीसरा पद आपके क्या हो गया, माइनस का xy। तो ये हो गए पद, अब हम गुणांक बताएंगे। तो सबसे पहले देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना हुआ, ऊपर 1 नीचे 2 यानी 1 बटा 2, समझ में आया। फिर y का गुणांक, तो y का गुणांक आपके हो गया 1 बटा 2। फिर xy का गुणांक, तो xy का गुणांक आपके हो जाएगा, यहाँ 1 है और ये माइनस है यानी माइनस का 1। अब 6 है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b, तो पद कितने हैं, तो पद यहाँ पर है 1, 2 और 3, तो कुल 3 पद है। पहला पद क्या है, पहला पद है 0.3a, दूसरा पद क्या है माइनस का 0.6ab और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 0.5b। तो ये पद हो गया, अब हम गुणांक की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो a का गुणा किससे हो रहा है, 0.3 से, तो a का गुणांक क्या हो जाएगा, 0.3। फिर ab, यहाँ ab आ रहा है ना, तो ab का गुणांक आपके क्या आ जाएगा, किससे हो रहा है गुणा, -0.6 से, तो -0.6। फिर है b का गुणांक, तो b का गुणा किससे हो रहा है, 0.5 से, तो b का गुणांक हो गया 0.5। तो ये इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न करना है। देखो पहले प्रश्न से हमें सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे करके वापस देखो। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न बहुपदों का एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए एवं कौन सा बहुपद इनमें नहीं है। तो देखो पहले हमने पढ़ा था व्यंजक, अब है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है इसको भी समझ लो, बहुपद में जो चर होता है ना, जैसे x है, तो इसकी जो भी घात है, ठीक है,
वो घात आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ घात जीरो से लगाकर 1, 2, 3 प्लस की कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, किसमें, चर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, आगे की कक्षाओं को हम इसको इसमें विस्तार से समझेंगे, लेकिन प्रश्न में हमें ये समझना है कौन एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, ठीक है। वैसे बहुपद का मतलब होता है जिसमें चर की घात 0, 1, 2, 3, 4 यानी प्लस की कोई भी संख्या हो सकती है, 0 और प्लस की कोई भी संख्या होती है उसको हम, वो जो व्यंजक होता है वो बहुपद बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें इनको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक पद कौन कौन सा है, ठीक है, एक पदी जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं। तो एक पद जिसमें है, तो देखो एक तो ये दूसरा, इसमें एक पद है, फिर उसके बाद ये देखो दसवां, इसमें भी एक पद है, तो एक तो आपका हो गया 1000, तो इसमें क्योंकि एक पद ही है, क्योंकि प्लस माइनस का कहीं निशान नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एक पद ही है, ठीक है। फिर पी क्यू आर, इसमें भी प्लस माइनस का निशान कहीं नहीं है तो पद बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी एक पद ही है। अब द्विपद देखते हैं, द्विपद किस किस में है, ठीक है, तो देखो इसमें द्विपद है 1 और 2, क्योंकि प्लस माइनस आता है तो पद बनते हैं, तो कितने पद, 1 और 2, तो एक तो हो गया x प्लस वाई, ठीक है। दूसरा देखो जिसमें दो पद है, एक ये वाला 1 और ये 2 पद, ठीक है, तो इसमें भी दो पद है, तो 2y-3y की घात 2, इसमें भी दो पद है। फिर उसके बाद में देखो ये भी दो पद का है, 4z-15z की घात 2, ठीक है। और कौन सा है द्विपद, देखो ये और ये दोनों दो पद के हैं, एक तो हो गया पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा इसके साथ कौन सा हो जाएगा, 2p+2q, ठीक है, 2p+2q। अब हमें त्रिपद का देखना है कि त्रिपद का इसमें कौन सा है जिसमें तीन पद हो, तो देखो एक तो ये वाला है, फिर उसके बाद इसमें भी तीन पद है, 1, 2, 3, फिर इसके बाद इसमें भी तीन पद है और बाकी किसी में तीन पद नहीं है। तो अब इसमें हमें चेक करते हैं कि सबसे पहला कौन सा था, ये लिखेंगे 7y+5x, इसमें तीन पद है, इसमें भी तीन पद है, कौन कौन है, 2y+3y प्लस की जगह माइनस है, यहाँ पे माइनस 3y² + 4y की घात 3, फिर उसके बाद इसमें भी तीन पद है, 1, 2 और 3, कौन से हैं, 5x-4y+3xy, ठीक है, और इसके अतिरिक्त आपके तीन पद और कहीं नहीं है। तो यहाँ तक अपना हो गया। अब क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कौन सा बहुपद इनमें नहीं है, ठीक है, कौन सा बहुपद इन एक, देखो प्रश्न मैंने थोड़ा अलग लिखा है, किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि 1, 2 और 3 पद के अलावा कौन से पदों वाले बहुपद है वो भी बताओ। तो देखो यहाँ पर एक तो ये आपके चार पद आ रहा है, ठीक है, इसमें कितने पद है, टोटल 4 पद है। दूसरा इसमें जो देखो 4 पद का है, तो 4 या अधिक पद का, तो दूसरा ये वाला हो गया, है ना, है ना। तो ये इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त कौन कौन हो गए, एक तो आपका हो गया x+x की घात 2+x की घात 3+x की घात 4, और दूसरा हो गया ab+bc+cd+da। तो ये आपको ऐसे करना है, इनको क्या करना था, वर्गीकृत करना था, एक पद वाले कौन कौन से हैं, द्विपद वाले कौन से हैं, त्रिपद वाले कौन से हैं, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पद कब बनते हैं, जब उनके बीच में प्लस और माइनस का निशान होता है तब वो पद बनते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न का योग कीजिए, यानी यहाँ पर जो देखो यहाँ बीच में कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है, तो यहाँ कुल 3 संख्या है, उनको हमें जोड़ना है, 3 राशियाँ हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इनको हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 3 एप्पल है, ठीक है, ये मेरे मान लो ये एप्पल आ गई आपके पास में, 3 एप्पल है, ठीक है, और 2 बनाना है, ये बनाना हो गया, ठीक है, केला हो गया। अब मैंने कहा कि बताओ कुल कितने सेब है, कुल कितने एप्पल है, तो आप कहोगे कुल आपके 3 एप्पल है और कुल 2 बनाना है। क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि कुल 5 एप्पल है, नहीं कह सकते हो ना भाई, एप्पल तो एप्पल होती है और बनाना बनाना होता है।
अब मैंने कहा कि एक तो है एक्स और दूसरा है वाई, इन दोनों को जोड़ो, तो ये जुड़ेगा थोड़ी ना। अच्छा, इसका जोड़ क्या है? इसका जोड़ यही है एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने कहा तीन एप्पल और दो बनाना को जोड़ो, तो आप जोड़ थोड़ी ना सकते, वो तो एप्पल एप्पल होगी, बनाना बनाना होगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई ये जुड़ेगा नहीं। अब मैंने कहा एक्स प्लस एक्स को जोड़ो, तो जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? कि एक्स और एक्स, ये एक एक्स और ये एक एक्स, बताओ कितने एक्स? दो एक्स। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गया? दो एक्स हो गया। मैंने कहा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स की घात दो, इनको जोड़ो, तो ये तीनों तो समान है, सहजातीय है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है क्योंकि इसके ऊपर घात दो है। तो बताओ कितने एक्स? तो तीन तो एक्स हो गए, एक दो और तीन। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता, तो वापस इसको ऐसे लिख दो प्लस एक्स की घात दो, तो इस पूरे की जो जोड़ है वो ये हो जाएगी। ठीक है, ये जोड़ हो गई, बस इतनी है, इतना ही काम है। तो इसका मतलब जो सेम राशि होगी, जो सहजातीय होगा, सहजातीय का मतलब उसके जैसा दिखने वाला, वो उसी के साथ जुड़ेगा। अब हम इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न ए बी माइनस बी सी। ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है इसको, तो मैंने यहाँ जोड़ का निशान लगा दिया बी सी माइनस सी ए। फिर इसमें हमें जोड़ना है इसको, तो मैंने जोड़ का निशान लगा दिया इसको, जोड़ो सी ए माइनस ए बी। मैं दो तरीके बताऊंगा, जो आपको समझ में आए आप कर देना। मैंने क्या करा, इस कॉमा की जगह प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो एक जैसे दिखते हैं उनके पास उसको लाओ। ठीक है, जैसे यह ए बी है, इसके जैसा कोई दिखता है क्या? ये वाला है, तो इसके पास इसको लाओ। बी सी के पास, बी सी कहाँ है? ये वाला है, तो ये तो इसके पास में ही है। माइनस सी ए के पास, इसमें ये है ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ देखो ध्यान रखना, इसके साथ माइनस भी है। ठीक है, तो इस माइनस को भी लेके आना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो गया ए बी, फिर ये उठ के इसके पास आ जाएगा माइनस का ए बी, फिर यहाँ पर पहले से है माइनस बी सी, माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। ठीक है, अब हमने पूर्णांक नियम पढ़ रखा है। पूर्णांक नियम क्या होता है कि मान लो एक प्लस का दो है और दूसरा भी प्लस का दो है, तो वो जुड़ता है, कितना हो जाता है? प्लस का चार हो जाता है। एक माइनस का दो है, दूसरा माइनस दो है, तो भी वो जुड़ता है, लेकिन वो माइनस का चार हो जाता है। लेकिन एक प्लस दो है, दूसरा माइनस दो है, तब वो क्या करता है? घटता है, घटता है, ध्यान रखना। तो दो में से दो गया, क्या बचा? जीरो। ठीक है, तो जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, लेकिन सेम टू सेम हो, तो उसमें से वही चला जाएगा और जीरो हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी जीरो हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी जीरो हो गया। तो उत्तर क्या आया? जीरो। मैंने इसको काटा, इसका मतलब ये, इसमें से ये पूरा चला गया, तो ये जीरो हो गया। तो एक तो तरीका ये हुआ जोड़ने का। अब दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो पहला पद क्या था इसमें? ए बी माइनस बी सी, ये आपके पहली राशि थी। दूसरी राशि क्या है? दूसरी राशि है बी सी माइनस सी ए। तो आपको क्या करना, बी सी के नीचे बी सी लिखना। तो अब यहाँ बी सी के नीचे मैं बी सी लिखता हूँ, ठीक है, फिर माइनस सी ए इसके आगे लिख देता हूँ, फिर सी ए माइनस ए बी। तो इसमें हम सी ए के नीचे सी ए लिखेंगे, ये सी ए हो गया, लेकिन ये प्लस का है, तो यहाँ कोई निशान मत नहीं लगाना है क्योंकि ये प्लस का है। फिर ये माइनस का ए बी, तो माइनस के ए बी के नीचे ए बी लगाओ। अब इनको जोड़ो, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ जीरो कर दो, तो यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी, तो ए बी में से ए बी गया जीरो। फिर ये माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, तो बी सी में से बी सी गया जीरो। फिर ये माइनस का सी ए और ये प्लस का सी ए, तो सी ए में से सी ए गया जीरो। तो एक जोड़ का तरीका ये है, दूसरा जोड़ का तरीका ये है। मेरे ख्याल से ये वाला बढ़िया है, क्योंकि आगे भी आपकी यही काम आने वाला है, तो हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सेकेंड क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये एक पद हो गया, फिर इस कॉमा की जगह प्लस का निशान, बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर इसकी जगह प्लस का निशान, क्योंकि जोड़ना है अपने को, तो ये हो गया सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो मैं सीधा कर रहा हूँ उसको, है ना, ये ए प्लस का है, फिर ए के जैसा कोई है क्या? देखो यहाँ पर ए, ये ए कैसा है? माइनस का है,
तो इसके पास में इसको लिख देता हूँ a माइनस ई। फिर ये b कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का b, b के पास देखो ये a प्लस का b है, तो इसको इसके पास लिखो प्लस का b। फिर है c, c को ले लेते हैं ना, चलो ए बी को लेना है तो ए बी ले लो, ए बी ये कैसा है प्लस का, तो प्लस का ए बी है, ठीक है। अब ए बी और कोई ए बी है क्या, तो ए बी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है छोड़ो। फिर इसके बाद ये आएगा सी माइनस सी, ठीक है, सी के बाद ये देखो प्लस का सी, तो ये प्लस का सी हो गया। फिर इसके बाद में क्या बचा, ए बी बी सी, ठीक है, तो ये प्लस का बी सी, और फिर आपकी ये बचा सी, तो प्लस का सी, सी तो हो गया था। फिर ये लास्ट में बचा प्लस का ए सी, यहाँ तक हो गया। अब देखो ए में से ए गया जीरो, बी में से बी गया जीरो, सी में से सी गया जीरो। अब इसके जैसा कोई है ही नहीं, तो हमें लिखना भी नहीं है, तो यहाँ ए बी प्लस का है ए बी, फिर प्लस बी सी तो प्लस बी सी, फिर प्लस ए सी तो फिर प्लस ए सी, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, समझ आया। आप सीधा भी कर सकते थे, देखो ए में से ए गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब एक राशि प्लस की होती है दूसरी माइनस की होती है और दोनों सेम हो, तो वो उसमें से चला जाता है, ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा है दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस तीन पी क्यू प्लस चार, फिर यहाँ कॉमा, तो हमें प्लस का निशान लगाना है, पाँच प्लस सात पी क्यू माइनस तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो जो जिसके जैसा है उसके पास हम उसको लाएंगे, है ना। वैसे ये इस प्रकार से है, ये पूरी अलग संख्या, ये पूरी अलग संख्या, ठीक है, लेकिन आप कोष्टक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर जैसा कहीं है क्या, देखो तो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या है, माइनस का तीन, तो ये इसके पास में लाते हैं माइनस का तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर अगला है माइनस तीन पी क्यू, तो पी क्यू जैसा कहीं है क्या, तो ये रहा क्या है प्लस का सात पी क्यू, प्लस का सात पी क्यू, तो ये भी आ गया। फिर है प्लस का चार, फिर और कोई संख्या नहीं बची, तो ये हमने यहाँ उधर उधर कर लिया, ठीक है। अब देखो ये है प्लस का दो और ये है माइनस का तीन पी क्यू, इसको समझना, ये है दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर है माइनस का तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसको तो हमें छोड़ देना है, इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है। बचा क्या, प्लस का दो और माइनस का तीन, तो जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो घटता है, ठीक है, लेकिन उत्तर क्या आएगा, तो तीन में से दो गया बचा एक, लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है तो उत्तर भी माइनस में आएगा, ठीक है, तो उत्तर आया माइनस का एक। फिर ये क्या था, ये था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्या था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी बचा क्या, माइनस का एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेकिन एक हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो उत्तर हो गया यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये तो हमने इसको करा, ठीक है, अब इसको करना है, तो ये देखो ये क्या है, ये है आपका तीन पी क्यू प्लस सात, नीचे लिख देते हैं माइनस का तीन पी क्यू और प्लस का सात पी क्यू, तो इसको तो हमें छोड़ो, हमें इन दोनों को देखना है, माइनस तीन प्लस सात, तो एक माइनस की एक प्लस की घटेगा, तो सात में से तीन गया बचा चार, लेकिन ये प्लस का है माइनस का, तो ध्यान रखना आपकी बार प्लस का बड़ा है तो उत्तर भी प्लस में आएगा, तो इसका उत्तर क्या आया, प्लस का चार, और ये क्या है पी क्यू है, ठीक है। फिर कितना बच गया चार, तो चार का चार लिख दो, क्योंकि ये किसी से जुड़ना और घटना नहीं है, तो ये हमारी जोड़ हो जाएगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फोर है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ हमें क्या निशान लगाना, प्लस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का निशान टू एल एम, ठीक है, फिर प्लस टू एम एन प्लस एन और एल, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से टू होगा, क्या होगा टू, ये भी ध्यान रखना, यहाँ दो होगा। चलो अब देखो L कितने L है, देखो यहाँ पर एक L स्क्वायर और ये L स्क्वायर, तो ये इसमें पास में आ जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया। फिर है M स्क्वायर, तो M स्क्वायर इसके पास में ही है प्लस M स्क्वायर, N के पास N में ही है तो प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसको वापस लिख दो 2LM प्लस 2MN प्लस 2NN, है ना। अब देखो L कितने, एक और एक दो, तो ये हो गया 2L स्क्वायर प्लस
एम और एम दो एम स्क्वेयर प्लस दो एम स्क्वेयर एक दो है ना। अब कोई नहीं जुड़ रहा है तो वापस लिख दो टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एन, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार, निम्न को घटाइए। पहले जोड़ने का था, अब की बार घटाने का है। तो देखो घटाने में थोड़ा हमें बड़े ध्यान से करना होगा। अब घटाने में कैसे करना है तो इसको समझना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 12 ए माइनस 9 ए बी प्लस 5 बी माइनस 3, ठीक है। फिर इसके नीचे घटाने में इसके नीचे वाला करो ठीक रहेगा, इसके नीचे ए के नीचे ए, ए बी के नीचे ए बी, बी के बी के नीचे बी, और ऐसे हमें लिखना है। तो चार ए के नीचे चार ए, ठीक है, ए बी के नीचे माइनस का 7 ए बी, ठीक है, फिर 3b के नीचे प्लस का 3b और 12 के नीचे प्लस का 12। अब यहाँ हमें लाइन खींचनी है और इसको हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो अब घटाना है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और अब ध्यान रखना, जब हम इसको घटाते हैं तो नीचे के जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जब घटाते हैं तो नीचे जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, फिर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो अब की बार हमें नीचे वाले चिन्ह देखकर जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखो ये 12 प्लस का और 4 माइनस का, इसका मतलब 12 में से हमें 4 को क्या करना है, घटाना है, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, घटेगा कितना आएगा 8। तो ये प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 8 और इसके साथ क्या था ए, तो ए वापस लिख दो। फिर ये माइनस का और ये प्लस का, घटेगा क्या है 9 माइनस का प्लस 7 का, घटेगा तो 9 में से 7 गया 2, लेकिन अब की बार माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये हो गया माइनस का 2, फिर ये क्या है ए बी, तो इसके साथ ए बी आ जाएगा। फिर ये प्लस और ये नीचे माइनस, तो 5b माइनस 3b, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा तो 5 में से 3 गया कितना बचा 2b, लेकिन कैसा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो उत्तर आ गया प्लस का 2b। फिर ये दोनों माइनस के, मैंने कहा माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना हो गया, तो 12 और 3 हो गया 15, तो उत्तर आ गया माइनस का 15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान इतना रखना है कि इसमें हमें नीचे अगर प्लस का है तो उसको माइनस करना है, माइनस का है तो उसको प्लस का करना है, क्योंकि हमें इसको घटाना है। बी है 18 माइनस 3b, यानी इसमें से हमें इसको घटाना है। तो सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाला वापस लिख दो, क्या है देखो यहाँ पर 18 माइनस 3b माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो अचर पद के नीचे अचर पद, तो इसमें से कोई अचर पद है क्या, ये वाला, तो इसके नीचे ये लिखो, ठीक है। यहाँ माइनस का 10 आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है ना। फिर p के नीचे p, तो p कौन सा है, तो p यहाँ पर ये है, लेकिन ये है माइनस का 8p, तो यहाँ माइनस का 8p लिखेंगे। फिर 11q, q कहाँ पर है देखो, तो यहाँ पर q है, प्लस का 7q, तो यहाँ आएगा प्लस का 7q। फिर उसके बाद PQ, तो PQ यहाँ पर है, क्या है माइनस का 3PQ, तो यहाँ आ गया माइनस का 3PQ। फिर उसके बाद PQ स्क्वायर, तो ये है PQ स्क्वायर, ठीक है, तो ये है प्लस का 5PQ स्क्वायर। फिर अंतिम है यहाँ पर प्लस का 4P स्क्वायर क्यू। अब यहाँ लाइन खींचनी है, अब क्योंकि हमें इसको घटाना है तो जो नीचे माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको जोड़ना है, तो देखो प्लस का 18 प्लस का 10 कितना हो गया 28 हो गया। प्लस प्लस जुड़ता है और प्लस का आता है निशान, तो ये प्लस और प्लस दोनों जुड़ गया और 28 हो गया। फिर एक माइनस एक प्लस, तो घटेगा, ठीक है। अब 8 प्लस का है और 3 माइनस का है, घटेगा 8 में से 3 गया 5 और प्लस का 5 आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये प्लस का 5 और पी। फिर यहाँ दोनों माइनस है, जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा, तो माइनस 11 माइनस 7 दोनों कितना हो गया माइनस का 18 q।
क्यू है ना, ये हो गया माइनस का 18 क्यू। फिर ये दोनों प्लस के हैं तो अभी जुड़ेंगे, निशान प्लस का आएगा तो 5 और 3 हो गया 8 पी क्यू। दोनों माइनस के हैं तो अभी जुड़ेंगे लेकिन उत्तर माइनस में आएगा तो माइनस लगा दिया, 5 और 2 7 और ये क्या है पी क्यू स्क्वायर है। फिर ए प्लस का और एक माइनस का घटेगा तो 5 में से 4 गया 1 और ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का क्योंकि प्लस का बड़ा है और 1 हम लिखते हैं नहीं, तो ये हमारा उत्तर होगा। माफ करना ये सी है, ये बी नहीं है, ये सी है आपका, ठीक है बी अब इसके बाद कर लेते हैं ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, कोई उत्तर इधर है कोई उत्तर इधर है तो वो आपका गलत नहीं होगा, वो सही है, बस ये सारी चीज़ें सही आनी चाहिए, 28 आना चाहिए, 5p प्लस का 5p आना चाहिए, माइनस का 18q आना चाहिए। अब वो इधर आए या इधर आए उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है, वो आपका उत्तर सही ही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। अब बी करते हैं, ये सी था अब हम बी करेंगे, तो बी है इसमें से हमें इसको घटाना है, मैं से इसको घटाना है ठीक। तो इसको लिख देते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसमें से इसको घटाना है तो xy के नीचे xy यानी ये xy आ जाएगा 3xy ठीक है। फिर प्लस का yz तो yz है यहाँ पर तो प्लस का 5yz, फिर उसके बाद माइनस का 7zx तो ये zx है तो माइनस का 7zx, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके हम नीचे हम 0 लगा देते हैं ठीक। अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है तो नीचे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का है, माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, लेकिन इससे कोई इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये 0 है। चलो अब देखते हैं, तो प्लस का 5 और माइनस का 3 घटेगा, 5 में से 3 गया 2 लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है तो 2xy। माइनस के है दोनों तो माइनस के जुड़ते हैं और उत्तर माइनस में आता है तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये माइनस का 7yz। अब ये प्लस माइनस यानी अलग अलग है तो घटेगा तो 7 में से 2 गया 5 लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का 5zx। फिर 10 में से 0 गया तो 0 10 ही आएगा है ना, तो ये हो गया प्लस का 10xyz, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है, इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है, इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।